सबसे मुश्किल सवाल, मैं अगर मैं बोलूँ एक ही गाना आपको बताना है जो आपका फेवरेट है लता जी का, वो कौन सा है? मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल सवाल है। हाँ मतलब आप ये नहीं कह सकते ये सबसे अच्छा, क्योंकि हाँ वो हर गाना उनका अच्छा था। हाँ ऑर्डिनरी फिल्म में भी एक मामूली गाने को भी वो गाती थी तो गाना कितना उठ जाता था। एक गाना मुझे बहुत पसंद है, फिल्म का नाम भूल रहा हूँ मैं, माला सिन्हा पे पिछवाई सर, मदन जी का म्यूजिक था और राजेंद्र किशन जी का लिखा हुआ था। मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है, दूर से प्यार का पैगाम दिए जाता है। आप जब घर जाएं तो ये गाना सुनिएगा, आपको पता चलेगा। और क्या उसमें सितार बजी है और क्या लिखा है राजेंद्र किशन जी ने, और ट्यून तो थी अच्छी, और सबको निभाया क्या लता जी ने, वो सुनिए आप। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। उनके घर में कभी बैठ के होती थी, आपको जाने का मौका मिलता था? घर में तो मैं कई दफ़े गया हूँ, बहुत गया हूँ। हाँ बहुत गया हूँ, कई दफ़े उनके बिल्डिंग नीचे कुछ एक जो हॉल जैसा था वहाँ पर कौन आए थे, सलामत नज़ाकत या मैं भूल रहा हूँ कौन आए थे, उनका प्रोग्राम था, मुझे बुलाया था, मैं भी गया था, बहुत मज़ा आया प्रोग्राम में। वैसे उस घर में जाके बैठते थे, बात करते थे, वो मैं भूलूंगा नहीं, वो जो प्रोग्राम हुआ उन्होंने किया था। अब वो करती होंगी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जब अच्छा मेरे को गाता तो वो तारीफ भी करते थे। अच्छा ये भी है, कुल मैंने एक लाइन अच्छी गा दी या गाना अच्छा उनके साथ गा दिया तो अच्छा। अब वो मेरे को रेकमेंड करती थी कि नहीं करती थी मुझे नहीं पता, कि मैंने पूछा भी नहीं उनसे कभी। कभी किसी ने बताया हो कि अरे मुझे तो? नहीं ऐसा ऐसा कुछ आशा जी के साथ आपके कैसे, उनके साथ पहली बार कब रिकॉर्ड किया था, कौन सा? के साथ मैं कंफ्यूज हूँ, ये रफू चक्कर में था या उससे पहले भी लक्ष्मीकांत जी का एक गाना था शायद, अब मैं कौन सा पहले हुआ मैं भूल रहा हूँ। एक फिल्म आई थी उसमें नवीन निश्चल था, उसमें मेरा गाना हुआ था उनके साथ, आई थिंक रफू चक्कर में पहली बार में, कि तो किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंसूर है। तो उसके बाद कई गाने गए उन शोज बहुत किए उनके साथ, आशा जी के साथ, क्योंकि पंचम दा होते थे, पंचम दा मेरे फ्रेंड थे, तो बड़ा मज़ा आता था शो में, हम तीनों जाते थे तो बहुत मस्ती होती थी उनके सामने, हम थोड़े से मस्ती करते तो आप ऋषि कपूर साहब की आवाज़ बन गए थे उस समय, क्योंकि पहली फिल्म सुपर हाँ डुपर, यस 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 बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो उसके बाद जब नेशनली आप सुपरहिट हो गए, ऋषि कपूर के साथ आपका वो हुआ, तब फिर देखिए एक बड़ा लंबा समय आपने इंडस्ट्री में गुजारा है, जहाँ पे आप एक्टिंग भी करते हैं, संगीत में भी आपका ऐसा योगदान रहा है कि कपूर खानदान मतलब वहाँ के आप सिंगर बन गए। तो ये जो 70 से 75 तक का समय था, 72 से 75 तक का, इस बीच कितनी फिल्में आई और वो कौन से, अगर इस समय माइलस्टोन सॉन्ग होंगे तो कौन से 4-5 सॉन्ग थे आपको लगता था आपकी लाइफ को एक सीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं? रफू चक्कर में एक बहुत अच्छा गाना था, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाम से, वो कंचन ने गाया था मेरे साथ, और खेल खेल में हमने तुमको देखा है, वो मेरा पहला गाना था आर डी बर्मन के लिए। फिर उसके बाद मैंने जहर गिला इंसान में एक अच्छा डुएट था आशा जी के साथ, मेरे दिल से ये मैं मिले रहने दो जाने मन, बहुत अच्छा गाना है, कभी सुनेगा। और कौन सी फिल्म बोली आपने आप, खेल खेल में, खेल खेल में तो बता दिया हाँ मैंने, हमने हमने तो तुमको था। देखा, हाँ दो जासूस। हाँ दो जासूस तो रविंद्र जैन की, उसमें मैंने काम भी किया था, उसमें लता जी से डुएट था वो, पुरवैया लेके चली मेरी नैया। तो आप एक्टिंग, मैं थोड़ा सा जब देखता हूँ गूगल जो बताता है, कई बार गूगल में सब कुछ सही नहीं होता, आप हाँ एक्टर पहले बने कि सिंगर पहले बने? मैं एक्टर बनने गया था पूना फिल्म इंस्टीट्यूट, हाँ लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर में आया 72 में, हाँ तो मुझे बॉबी का चांस, गाना तो मैं सीखता था ना बचपन से, हाँ बट किसके पास सीखता था सीखते शौकिया सीखता था। मेरे गुरु थे इकबाल साहब, इकबाल गिल, वो अब नहीं रहे, तो वो मुझे सिखाते थे, और उन्होंने उनको मेरे पास भेजने वाले कौन थे, शंकर जी, शंकर जयकिशन जी, जयकिशन जी?
शंकर जी मेरे से बहुत क्लोज थे, तो मैं तो एक्टर बनने गया था पूना फिल्म इंस्टीट्यूट, और जब मुझे मौका मिला तो फिर मैंने गाना शुरू कर दिया। फिर गाने में इतना मज़ा आने लगा कि मेरे पे एक्टिंग का ज़्यादा शौक नहीं था, तो चार पांच फिल्में की मैंने, ज़्यादा नहीं की, बट आई एंजॉयड मोर सिंगिंग देन एक्टिंग। लेकिन उस समय जिस तरह का हीरो चाहिए था, काले लंबे कर्ली हेयर, वो भी भर के पूरे, एक हाइट बहुत अच्छी, साफ स्किन, तलफ़ुस आपका था ही अच्छा, तो लोग मतलब एक तो आप भी मिस कर रहे थे कि नहीं, आपने कहा नहीं मिस कर रहे थे, लेकिन लोग आपको लेना चाह रहे थे तो आप इनकार कर देते थे? हाँ, मुझे अभी भी मेरे ऑफर आते हैं, टीवी के लिए मैं मना कर देता हूँ। उनको आपने बोला कि वर्णन किया कि लंबे बाल, ये वो है फोटो उन दिनों की, और ये क्या, उन दिनों आनंद बाजार पत्रिका एक टीनेजर्स के लिए एक मैगजीन निकालता था, ये उस मैगजीन जूनियर स्टेट्समैन नाम था, जेएस, तो उसमें ये पांच फोल्ड का पिनअप था, ये ओहो, उसमें लिखा है शैलन सिंह ने सिंगिंग स्टार लिखा है, जेएस लिखा है वहाँ पे, तो उसको फ्रेम करा लिया। अच्छा, मैगजीन से निकाल के आपने फ्रेम करा लिया? जूनियर स्टेट्समैन वो आता था उनका, ये बात इंडस्ट्री के लोग जानते थे कि आप विनोद मेहरा के थोड़ा सा उनके जैसे, या ये बात होती थी? नहीं, बात तो ऐसी नहीं होती थी, क्योंकि हम रोज साथ में होते थे। अच्छा अच्छा, रोज साथ में घूमते थे। ओके, कोई बात, आपको विनोद जी की बात निकली है इसलिए इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं। कैसे दोस्ती हुई थी, और क्या आस पास रहते थे, क्या था कुछ थोड़ा सा? हम दोनों पालीवाल में रहते थे। हाँ, वो निभाना सोसाइटी में रहते थे, यहाँ प्रेम चोपड़ा भी रहते हैं, मौसमी भी रहती थी, नवीन पता नहीं था कि नहीं वहाँ पे, तो वहाँ एक दिन मैं उषा खन्ना जी के घर गया था रिहर्सल करने, तो उन्होंने उसी फ्लोर पे विनोद भी रहता, तो उन्होंने मिलाया था मुझे, फिर मिलना जुलना बड़ा, फिर उसने बंगला ले लिया केतना स्टूडियो के पास, फिर वहाँ जाना शुरू हो गया, फिर हम एक ही क्लब जाते थे सी रॉक क्लब में, तो रोज साथ में आना जाना, फिर उठना बैठना, फिर बहुत दोस्ती हो गई। बहुत अच्छा इंसान था वो, फिल्मों के लायक नहीं था। उनके बारे में हर कोई ऐसी बात करता है, मतलब चाहे उनकी वाइफ हो या कोई भी, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा, सच अ नाइस जेंटलमैन, तो उसका लॉस बहुत हुआ मुझे ना, उसकी डेथ हुई तो बहुत बहुत परेशान हुआ था, व्हाट अ लवली फ्रेंड।